कृष्ण फ्रेंड, आज हम ठाकुर जी के लिए इस तरीके का बहुत ही सुंदर मिरल बनाएंगे। इसमें मैंने सिर्फ ऑफ वाइट, रेड, ग्रीन और पेरोट मोती यूज किया है। तो चलो हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मैंने इस तरह पेरोट कलर के मोती लिए हैं। ये डल मोती है और जीरो साइज के हैं। और मैंने ये रेड कलर के मोती लिए हैं, ये भी डल मोती है और जीरो साइज के हैं। और मैंने ये ऑफ वाइट लिया है, इसकी जगह आप वाइट भी ले सकते हैं। और मैंने इस तरह सा एक मिरर लिया है। तो चलो हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मिरल बनाने के लिए पहले हम ये 12 मोती ले लेंगे ऑफ वाइट। और फिर हमें ये जो पहला वाला मोती है उसमें सामने से नीडल लेनी है, इस तरह। ये जो गांठ के पास आता है पहला वाला मोती उसमें से, तो इस तरह हमारा ये राउंड बन जाएगा। और अब हमें एक मोती छोड़ के ये दूसरे मोती में से नीडल लेनी है। और पहले हमें ये 3 मोती लेने हैं ऑफ वाइट। और फिर से हम 3 मोती ऑफ वाइट लेंगे और आगे का एक मोती छोड़ के ये दूसरे मोती में से नीडल लेंगे। तो इसी तरह हमें ये पहला राउंड कंप्लीट करना है। फिर से 3 मोती और ये पहला छोड़ के दूसरे मोती में से नीडल। तो इसी तरह हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। हर 12 में 3 मोती लेने हैं और एक मोती छोड़ के ये दूसरे मोती में से नीडल लेनी है। और लास्ट में हमें ये मोती छोड़ के जो गांठ वाला मोती है उसके पास में से और ऊपर के एक मोती में से नीडल ले लेंगे। और फिर ये सेंटर के मोती में से लेंगे। और फिर हमें ये 3 मोती लेने हैं और ये सभी बीच के मोती में से नीडल लेनी है। तो इसी तरह हमें ये राउंड भी कंप्लीट करना है, हर बार 3-3 मोती लेकर ये सेंटर के मोती में से। इसी तरह और 1, 2 और 3 बार ले लेते हैं। तो हमने लास्ट तक ले लिया है और अब हम आगे के ये 2 मोती में से नीडल लेंगे। और फिर हमें 3 मोती लेने हैं। और यहाँ पे हम ये जो हमारा आगे का पहला मोती है उसके आगे से नीडल लेंगे, सिर्फ धागे में इस तरह से लेनी है। अब हर बार हमें मोती में से नहीं लेनी है। और फिर हमें जो लास्ट वाला तीसरा मोती है उसमें से ये रिटर्न लेनी है, इस तरीके से। तो हर बार इसी तरह हमें लेना है 3 मोती लेकर, 3 मोती और ये आगे के 1 और 2 मोती छोड़ के ये तीसरे दोनों मोती के बीच में से नीडल। और फिर एक मोती में से रिटर्न जो लास्ट वाला है उसमें से, इस तरह।
फिर से तीन मोती और यहाँ से निडल लेंगे। आपको नज़दीक नज़दीक लेना है, बीच में जगह छोड़नी नहीं है ताकि हमारा मिरर बीच में से दिखे नहीं। और हर बार तीन मोती लेकर आप नज़दीक जहाँ चाहे वहाँ ले सकते हैं, कभी एक मोती छोड़ के या कभी दो मोती छोड़ के। इस बार हम ये दो मोती छोड़ के इस सामने से लेंगे, यहाँ से। और तीसरे में से रिटर्न। बाकी हर बार हमें तीन मोती ही लेने हैं। तो इसी तरह हमें कंप्लीट करना है पूरा का पूरा राउंड। इस तरीके से हम यहाँ तक ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। तो ऐसे हमारा ये एक राउंड कंप्लीट हो गया है। और फिर हमें जो ये दो हर बार हमारा दो दो मोती है उसके बीच में से नीडल लेनी है, तीन मोती लेकर। और फिर ये जो तीसरा मोती है उसमें से रिटर्न, फिर से तीन मोती। यहाँ से और अब हम यहाँ से लेंगे, क्योंकि यहाँ ज़्यादा हो जाएगा तो हम पहले यहाँ से लेंगे। तो इसी तरह आपको हर राउंड कंप्लीट करना है। इसे तो चलो हम बना लेते हैं। फ्रेंड इस तरह मैंने ये पूरा रेडी कर लिया है। इसे आपको ये मिरर के साइज का बना लेना है। इसे पूरा कवर हो जाना चाहिए हमारा मिरर इस तरह। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम रिटर्न लेंगे, पूरा राउंड नहीं लेंगे। और यहाँ से यहाँ तक हमें रिटर्न लेना है, क्योंकि हमें ये भाग कवर नहीं करना है। यहाँ से ये ऊपर की ओर, यहाँ थोड़ा मिरर दिखे नहीं, इतना सा हमें लेना है। तो चलो हम आगे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ से हम रिटर्न लेंगे, तो फिर हमें इस तरह चार मोती लेना है पहले। और फिर हमें यहाँ से ऐसे ये जो आगे के दो मोती है उसके बीच में से नीडल लेंगे। और फिर जैसे हम आगे करते थे वैसे ही करना है, तीन मोती लेकर। तो इसी तरह हमें पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। एक इतना हमें छोड़ के ये पूरा राउंड यहाँ तक कंप्लीट करना है, और ये बीच का तीन मोती तक छोड़ देना है। तो इसी तरह हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। हर बार तीन तीन मोती लेकर ये आगे के दोनों मोती के बीच में से नीडल, और फिर लास्ट वाले मोती में से नीडल। तो इसी तरह अगर आपको बीच में ज़्यादा जगह लगे तो एक ही यहाँ और यहाँ, इस तरह हमें दो बार तीन तीन मोती लेकर कंप्लीट करना है। तो चलो इसी तरह हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो इस तरह मैंने ये यहाँ से यहाँ तक पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है, और बीच में ये तीन मोती तक छोड़ दिया है। अब हम आगे इस तरीके से तीन मोती लेंगे, और जो हमारा दो मोती है उसमें से पहले मोती में से लेंगे इस तरह।
इसे आगे के दो मोती छोड़ के जो दूसरे वाले दो मोती है उसमें से पहले वाले मोती में से और फिर से हमें तीन मोती लेने हैं और फिर से हमें जो ये दो मोती है उसके पहले वाले मोती में से लेना है। तो इसी तरह हमें पूरा राउंड कंप्लीट करना है यहाँ तक जहाँ से हमने रिटर्न लिया था वहाँ तक। तो इसी तरह हर बार हम तीन तीन मोती लेंगे। और जो आगे का दो मोती है उसमें से पहले मोती में से लेंगे। अगर कभी कहीं भी आपको ये ज़्यादा लगे तो आप आगे का ये मोती छोड़ के यहाँ से भी ले सकते हैं, तो आप आपके हिसाब से ले सकते हैं। और इसी तरह आपका मिरर में फिटिंग आ जाए उसी तरह हमें ये राउंड कंप्लीट करना है यहाँ से इसी तरह। तो फ्रेंड इस तरह मैंने इतना मोटा रेडी कर लिया है। हमारे मिरर के चारों ओर इतना आना चाहिए इसे। और फिर हमें एक सुई में इस तरह एक लेयर रेडी करनी है हमारे मिरर के अंदर आ जाए उतनी इस तरह। तो इसे पूरा गोल करके मैंने यहाँ गांठ लगा ली है और एक्स्ट्रा धागा है उसे कट कर लिया है। अब यहाँ भी हम फिर से तीन मोती लेंगे और आगे का ये तीन मोती छोड़ के ये चौथे मोती में से नीडल लेंगे इस तरह। ये तीन मोती छोड़ के ये चौथे मोती में से नीडल। तो इसी तरह हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। हर बार हमें तीन मोती लेना है और ये आगे के तीन मोती छोड़ के ये चौथे मोती में से नीडल लेनी है। तो चलो इसी तरह हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसी तरह पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह ये मैंने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है और फिर हमें ये आगे के जो तीन मोती है उसमें से दो मोती में से नीडल लेनी है और हमें ये सेंटर में आना है इस तरह। और फिर से हमें ये दूसरा राउंड भी ये तीन तीन मोती का कंप्लीट करना है। तीन मोती लेना है और आगे के जो तीन मोती है हमारे उसके बीच में से नीडल लेनी है इस तरह। तो इसी तरह ये राउंड भी हम कंप्लीट कर लेते हैं तीन मोती लेकर। तो चलो इसी तरह हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह मैंने ये दूसरा राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे तीसरा राउंड भी इसी तरह कर लेते हैं। तो इस तरह हमें तीन मोती लेने हैं और ये जो बीच का मोती है उसमें से ही हमें हर बार की तरह नीडल लेनी है। तो इसी तरह हमें ये राउंड भी कंप्लीट करना है इसे। अगर आपको यहाँ कहीं भी जगह थोड़ी ज़्यादा लगे तो आप आगे भी ले सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे दो बार ले सकते हैं। और आपको ये मिरर में इस तरह देखता जाना है। अगर ऐसे ही लेते जाएंगे तो क्या होगा, ये हमारा इस तरह ऊंचा हो जाएगा। तो आपको इसके हिसाब से चलना है और इसी की साइज का हमें ये आगे राउंड भी कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड इस तरह मैंने ये पूरे चार राउंड कंप्लीट कर लिया है और धागा कट कर लिया है। अब आगे हमें ये जो हमने पहले बनाया था वो लेंगे और इस तरह हम नीचे से ऊपर की ओर रख कर इसे ज्वाइन करते जाएंगे। और जहाँ जहाँ भी आपको मोती लेना लगे कि आपको यहाँ पे मोती लेना है वहाँ बीच में हमें मोती लेते जाना है और इसे ज्वाइन करना है। तो आगे हमें
दो मोती लेना है, और जो हमारा यहाँ लास्ट में ये सेंटर का मोती है उसमें से नीडल लेंगे हम। और फिर से हमें दो मोती लेना है और सामने नीडल लेनी है जो हमारा यहाँ पे सेंटर का मोती है। तो बीच बीच में हमें दो दो मोती लेना है और इसे जॉइंट करना है। तो पूरा राउंड इसी तरह हमें कंप्लीट करना है। फिर से हम दो मोती लेंगे और आगे के जो ये बीच का मोती है उसमें से नीडल लेंगे। तो इस तरह हमारा ये जॉइंट होता जाएगा और फिर से दो मोती जो आगे का है उसमें से नीडल। तो इसी तरह हम पूरा जॉइंट करते जाएंगे। और कभी कभी हमें लगे कि यहाँ ज़्यादा जगह है तो नज़दीक नज़दीक लेकर हमें ये पूरा जॉइंट कर लेना है। तो फ्रेंड इस तरह मैंने ये चारों ओर कवर कर लिया है। कभी मैंने एक मोती तो कभी दो मोती और कभी सामने सामने इसे मोती लेकर नीडल लेकर ये कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ से हम अब ए राउंड लेंगे। तो इसमें भी हमें ये तीन मोती ही लेना है और आगे के बीच के मोती में से नीडल लेनी है। तो इसी तरह हमें ये भी कंप्लीट कर लेना है। हर बार हम तीन तीन मोती लेकर ये भी पूरा कवर कर लेंगे। और फिर से आगे तीन मोती और बीच के मोती में से नीडल। तो हमें इसी तरह पूरी जगह को कवर कर लेना है और फिर हम यहाँ से नीडल लेंगे। और एक बार ये रिटर्न यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे। फिर हमें चारों ओर राउंड कर लेना है। तो इसी तरह हम ये भी कवर कर लेते हैं। कभी आपको ये छोटी जगह लगे तो आपको कम लेना है, दो या तीन, दो तीन इस तरह भी ले सकते हैं। तो चलो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड इस तरह मैंने ये पूरा मिरर रेडी कर लिया है और मैंने यहाँ पे नीडल ले ली है क्योंकि यहाँ पे हम पूरा राउंड यहाँ लेयर बनाएंगे। अगर आप चाहे तो ऐसे प्लेन भी रख सकते हैं, लेकिन हम आगे लेयर बनाते हैं। तो हम पहले यहाँ पे आठ मोती पेरोट लेंगे इस तरह, और फिर हमें यहाँ से ये दो तीन मोती छोड़ के यहाँ से आगे से मोती लेंगे, सामने से नीडल इस तरह इसे अंदर की ओर, और फिर से हमें आठ पेरोट मोती लेना है। फिर से आठ पेरोट मोती और फिर से एक दो मोती छोड़ के आगे से लेंगे। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको बीच में से लेना है, यहाँ मिरर के बीच में ही हमें लाइन करनी है। तो इसी तरह हमें पूरा राउंड कंप्लीट करना है। आप जितना कलर इसमें ही डालना चाहे उतना कर सकते हैं, आपके मैचिंग का जो भी पसंद हो वो। फिर से आठ मोती लेंगे पेरोट और एक दो मोती छोड़ के आगे से लेंगे। तो इसी तरह हमें पूरा राउंड कंप्लीट करना है। आप आपके पसंद के कोई भी मोती के कलर यूज़ कर सकते हैं। तो चलो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह मैंने यहाँ तक
पेरोट लिया है, अब रेड ले रही हूँ। तो इसी तरह हमें आगे रेड भी कंप्लीट करना है। इस तरह आपको एक बात ध्यान रखनी है कि बीच में अंतर सब जगह सही छोड़ना है। तो इसी तरह हम रेड भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह मैंने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम नीचे गांठ लगाकर धागा कट कर लेंगे। तो अब आगे हम यहाँ पे एक फ्लावर लगा लेंगे इस तरीके से। तो ये मैंने ऑलरेडी बना लिया है। अगर आपको ऐसा फ्लावर बनाना हो तो मैंने आगे एक मेरी गादीमाला सेट की है इस तरीके की। इसमें मैंने फ्लावर और मोती के पेरोट भी बनाना बताया है और ये गादीमाला बहुत ही सुंदर है। अगर आप इसे देखना चाहे तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो इस तरीके का फ्लावर हम यहाँ लगा लेंगे, इससे हमारा मिरर का और भी सुंदर दिखेगा। तो इसे नीचे मोती में से निडल डालेंगे। और फिर से हम आगे मोती में से ले लेंगे निडल। यहाँ से और हम यहाँ यहाँ और यहाँ ये चारों ओर हम इसे मोती में से धागा लेकर यहाँ इसे फिक्स कर देते हैं। तो इस तरह मैंने ये गुलाब लगाकर रेडी कर लिया है। और आप चाहे तो यहाँ पे भी एक और गुलाब लगा सकते हैं। और ये बीच का जो पेपर है वो आप बाद में निकाल लेना। और आप चाहे तो यहाँ पर भी ये ऐसा गुलाब लगा सकते हैं। तो ये हमारा मिरर बनके रेडी हो गया है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताएगा और मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय श्री कृष्णा।